हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज अपन एक नए टॉपिक पे बात करेंगे कि फोल्डर का आइकॉन कैसे चेंज करते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इस न्यू फोल्डर का आइकॉन हमको चेंज करना है। तो ये वाला आइकॉन हम चेंज कैसे करेंगे? ये जो येलो कलर का आइकॉन दिख रहा है, इसकी जगह हमें कोई और आइकॉन लगाना है, तो हम उसको चेंज कैसे करेंगे? तो देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है, आप भी कर सकते हो। आपको न्यू फोल्डर टू पे जाके राइट क्लिक करना है। आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा प्रॉपर्टीज़ करके, इस पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर पांच अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे: जनरल, शेयरिंग, सिक्योरिटी, प्रीवियस वर्जन्स और कस्टमाइजेशन। तो हम जाएंगे कस्टमाइज़ करेंगे, और यहाँ पर आपको एक और सेटिंग मिल जाएगी, चेंज द आइकॉन की सेटिंग मिल जाएगी। अब देख सकते हो ये जो आइकॉन वाली सेटिंग है, इसको हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे, इसमें अलग अलग हमें ऑप्शन मिल जाएंगे। ये देखो, अलग अलग टाइप के आइकॉन्स हैं। आप इसमें से कोई सा भी आइकॉन लेकर अपने फोल्डर पर लगा सकते हैं। इससे क्या है कि आपका डेस्कटॉप पे जो भी फोल्डर्स रहते हैं वो अट्रैक्टिव दिखते हैं, और थोड़ा सा डिफरेंट लुक दिखता है और अच्छा भी लगता है। जैसे हम यहाँ से ले लेते हैं, जैसे हमने एक फोटोज़ का फोल्डर बनाना था, हम एक कैमरा वाला आइकॉन ले लेंगे और ओके कर देंगे इसको। जैसे ही ओके करेंगे, ये देखो आपकी इसमें फोटोज़ अगर इसमें डालनी है तो आप इसको इजीली तरीके से आप आइकॉन ऐसा कैमरा का आइकॉन लगा सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।